समय मैं पटना में हूं और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए वेद वेद लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और इनको फॉलो करने वाले भी बहुत हैं। वेद की भाषा का तेवर आप सब जो सोशल मीडिया पर हैं वो देखते रहे हैं। दलित चिंतन में वेद प्रकाश का नाम कोई नया नहीं है, जाना पहचाना नाम। आज वेद प्रकाश से हम उन तमाम मसलों पर बात करने की कोशिश करते हैं जो दलित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो पूरे देश भर में अभी दलितों के उत्पीड़न का सवाल उठा हुआ है, दलितों को लेकर जो एकता बन रही है, बहुजन एकता बन रही है। वैसे समय में एक ऐसा दौर भी आया है जब देश जो है एक राजनीतिक उथल पुथल वाले स्थिति में पहुंच गया है। राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा दोनों पार्टियों ने अपनी तरफ से कर दी है। भाजपा ने एक तरफ जहां रामनाथ कोविंद जो बिहार के राज्यपाल रहे हैं उनको अपनी तरफ से उतारा है, वहीं कांग्रेस ने उसके विपक्ष में मीरा कुमार को उतारा है। दोनों राजनेताओं की पहचान अलग अलग पार्टियों से जुड़ी हुई है, उस पार्टी के विचारधारा से जुड़ी हुई है। दलित समुदाय के बीच या जो दलित चिंतक हैं, जो दलित विचारक हैं, जो दलित मुद्दों पर लिखते बोलते रहे, उनके बीच इन मुद्दों इन दोनों नेताओं को लेकर दो फार है। वहीं एक धारा ऐसी भी है जो इन दोनों को ही राष्ट्रपति पद के लिए दलितों की तरफ से उम्मीदवार नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि ये भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, ये पार्टियों के दलित पार्टियों का दलित चेहरा तो हो सकते हैं लेकिन ये दलितों की तरफ से चेहरा नहीं। बहुजन आंदोलन भी चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति के रूप में दो दलित नेताओं को उतारा गया है। तो वेद, सबसे पहले आप यह बताइए कि आप इन दोनों नेताओं को, ये जो प्रतिनिधि नेता उतारा गया है भाजपा और कांग्रेस की तरफ से, आप क्या आप मानते हैं कि ये दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? आप कोई ऐसा वाक्य बता दीजिए जिसमें मीरा कुमार ने दलित इश्यूज पर कभी भी कुछ बोला हो। जब रोहित बमूला की घटना हुई या फिर उसके बाद सहारनपुर की घटना हुई तो कांग्रेस विपक्ष में है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या गुजरात की बात हो या फिर अभी जो राष्ट्रीय स्तर की बात हो केंद्र सरकार, तो कहीं भी ना मीरा कुमार ने कभी सहारनपुर मामले पे कुछ बोला, ना रोहित बेमूला पे कुछ बोला, मल्लिका अर्जुन खड़गे ने बोला। अगर मल्लिका अर्जुन खड़गे को कांग्रेस के तरफ से दलित उम्मीदवार बनाया जाता तो लगातार कई बार संसद भवन में दलित इश्यूज पे बोले और खूब बोले। उन्होंने इतना तक राजनाथ सिंह तक को कहा कि हम इस देश के मूल निवासी अब बाहर से आए हुए हैं। तो ये तेवर मीरा कुमार में कभी नहीं दिखा, वो बस कांग्रेस के जो रीढ़ विहीन और जो कहा जाता है कि घुटना टेक जो नेता होते हैं कि इशारों पे नाचने वाले, कि एक चेहरा चाहिए दलित का, बस उसी पे ये जो अपना पासा फेंकते हैं कांग्रेस, तो उसी तरह का एक चेहरा है। प्रतिभा पाटिल क्या थी? तो फिर ये फिर आप सिर्फ मीरा कुमार के बारे में बता रहे हैं, रामनाथ कोविंद जो है वो किन दलित मुद्दों पर बोले? रामनाथ कोविंद की बात की जाए तो वो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और राज्यपाल रहने के दौरान कई ऐसी वाक्य हैं कि रामनाथ कोविंद एकदम ऐसे ऐसे गांव में कि जहां कोई सोच भी नहीं सकता है, वो एक आमंत्रण पर दलित बस्तियों में भी गए हैं, दलित टोलों में, गांव में, और कई बार दलित इश्यूज पे वो बयान भी दिए हैं, खुल के मंच पे दलित मंच को शेयर किए हैं बिहार में। लेकिन वेद, अभी आप जिन मुद्दों पे बात कर रहे थे, मीरा कुमार को आप घेरने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं मुद्दों पर रामनाथ कोविंद के क्या? कहीं नहीं, दोनों तो एक ही तरह के हैं। लेकिन अगर बात करते जहां तक बिहार की बात, राज्यपाल बनने की बात करें तो रामनाथ कोविंद दलितों के कार्यक्रमों में शरीक हुए हैं और दलितों की बात रखे हैं, कई मुखर हुए हैं उसमें। आप कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं, सबसे अधिक भाजपा और संघ अभी दलितों के बीच कार्यक्रम कर रहे हैं और दलितों के बीच जा रहे हैं, लेकिन अगर एजेंडा के रूप में देखें, इसको प्रवृत्ति के रूप में देखें, तो उनकी मूल प्रवृत्ति ही जो है दलित विरोधी है। तो आपके फ्रेम के हिसाब से तो फिर भाजपा और संघ को खुले रूप में दलितों को समर्थन करना चाहिए? नहीं, कोविंद जी की अगर बात करें तो हमने ये नहीं कहा कि उनका उनकी आइडियोलॉजी क्या है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर एक पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है लेकिन एक व्यक्तिगत व्यवहार अलग होता है। लेकिन आप राजनीति में व्यक्ति को जैसे मोहन भागवत बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, शाकाहारी खाना खाते हैं, बहुत सज्जन मुस्कुरा के मिलते हैं, लेकिन राजनीति में हम इन चीजों को व्यक्तिगत स्तर से हटकर राजनीति को क्या प्रवृत्ति के स्तर पर नहीं देखा जाना चाहिए? मोहन भागवत की तुलना ही नहीं करना यहाँ पे, वो और कपड़े से तुलना नहीं की जा सकती। हमने बात की विचारधारा और व्यवहार की, हमारी विचारधारा मनुवादी है मान के चलिए, लेकिन हम किसी दलित को देख रहे हैं कि वो बड़े तकलीफ में है,
हाँ तड़प रहा है तो हम मदद करते हैं, लेकिन बात आती है उसके आरक्षण पे तो हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो ये व्यवहार है, एक विचारधारा दोनों। लेकिन राजनीति में तो आपको विचारधारा को लेकर चलना होगा। हाँ राजनीति में तो ये राष्ट्रपति पद की अगर बात करें तो ये राष्ट्रपति बनने के बाद कोई विचारधारा उस तरीके से काम नहीं आती है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी विचारधारा को लेकर नहीं चलते हैं, ना लेफ्ट की विचारधारा, ना राइट की विचारधारा, ना सेंटर टू लेफ्ट, ना सेंटर टू राइट। तो अगर बात मैं कोविंद साहब का पक्ष नहीं रखा, मीरा कोविंद साहब यहाँ बिहार के राज्यपाल रहे, बहुत अच्छे से काम किए, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ऐसा कहा कि लेकिन रामनाथ कोविंद को हम एक दलित न मानकर हम एक ऐसी पार्टी का प्रतिनिधि चेहरा क्यों नहीं मान लें जिस पार्टी के कार्यकाल में सबसे अधिक दलित उत्पीड़न होते हैं, वो वही पार्टी है जो मनुवाद के एजेंडे को लेकर चलती है, तो रामनाथ कोविंद को क्यों नहीं उसका चेहरा माना जाए। बिल्कुल मानिए ना, हमने तो कहा आइडियोलॉजी के हिसाब से बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो इनकी आइडियोलॉजी, क्योंकि उसके नेता और प्रवक्ता भी रह चुके हैं। तो आप वेद कह रहे हैं कि बीजेपी बराबर कांग्रेस। बिल्कुल, तो दोनों में से अगर आप हार्डकोर दलित अम्बेडकरवादी चाहते हैं तो दोनों में कोई नहीं। मीरा कुमार में होना चुकी वो बिहार की और सासाराम की है, लेकिन सासाराम जाके भी आप पूछिए किसी से भी कि मीरा कुमार ने दलितों के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। लेकिन अगर रामनाथ कोविंद की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उनके क्षेत्र में क्या स्थिति, हम लोग वाकिफ नहीं है इस बात से, लेकिन मीरा कुमार का तो स्पष्ट है वो तो एकदम प्रतिभा पाटिल जैसी है, जिस तरह प्रतिभा पाटिल उस तरह, ये फर्क इतना रहेगा कि प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति। अच्छा अच्छा वेद, रोहित बेमुला से लेकर सहारनपुर, फिर ऊना, फिर ये सब पूरे देश में जो चला और उसके आक्रोश में जो देश भर में जो दलितों में जो आक्रोश उभरा और वो धीरे धीरे स्ट्रक्चरल फॉर्म में आता गया, जिसका व्यापक रूप हम भीम आर्मी को भी देख सकते हैं और तमाम जगह लिखा पढ़ा जाने लगा है। ऐसे दौर में भाजपा ने एक दलित उम्मीदवार पेश कर दिया है, कांग्रेस ने दलित उम्मीदवार पेश कर दिया, आपको नहीं लगता है कि ये जो आक्रोश उभरा है दलितों के बीच, ये सब आक्रोश को ये दबाने के लिए कर? ऐसे आक्रोश नहीं दबाया जा सकता है कि अगर कोई दलित उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद पे बिठा दिया जाए या राष्ट्रपति, लेकिन राजनीतिक दल तो राजनीति तो ऐसे ही चलती है, जैसे किसी दलित के यहाँ राहुल गांधी खाना खा लिए, कभी अमित शाह किसी दलित के यहाँ खाना खा लिए, किसी दलित को ऐसे दलित नेता को बना दिया जो है मंत्री पद दे दिया, विधायक सांसद बना दिया, कोई पद दे दिया जो कि कुछ बोल नहीं सके, तो इससे कहीं न कहीं जो दलितों में आक्रोश है उसमें ये संभावना भी बनती है कि जो देश भर के दलितों में आक्रोश पैदा हुआ उनको लगेगा नहीं भाई फलां पार्टी जो है स्पेस दे रही है तो उनका आक्रोश थोड़ा ठंडा होगा। तो मैं उस संदर्भ में न तो बीजेपी को तो दलित राजनीति करनी भी नहीं आती, उनकी बेवकूफी है इस तरह की। अगर जय श्री राम और जय भीम एक साथ लिखते हैं, हाल ही में एक पोस्टर कहीं दिख रहा था उसमें जय श्री राम और जय भीम दोनों एक साथ था, वो भी बीजेपी का पोस्टर, तो दलित इतने तो समझदार हैं कि जय श्री राम जय भीम एक साथ नहीं हो सकता। तो इस तरह की अगर पॉलिटिक्स बीजेपी द्वारा की जाती है तो एकदम हास्यास्पद है और एकदम बचकानी राजनीति। पिछले दिनों पहले के समय में महाराष्ट्र में दलित आंदोलन काफी मुखरता से था, लेकिन हिंदी पट्टी में दलित आंदोलन इस तरह से देखने को नहीं मिला था, लेकिन हाल के दिनों में अगर हम लोग देखें तो दलित आंदोलन का उभार हिंदी पट्टी में ज्यादा हो रहा है। बिहार में भी कई संगठन सक्रिय हैं जो न कांग्रेस की तरफ हैं, न भाजपा की तरफ हैं, न समाजवादी हैं, एक नया उभार देखने को मिला है। खासतौर पर युवा पीढ़ी खुलकर राजनीति में आ रही है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगह हो रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, ये जो दलितों के अंदर का जो आक्रोश है वो क्या कोई राजनीतिक रूप ले पाएगा? हिंदी पट्टी में आप बोले दलित राजनीति की बात की है तो कहाँ, अभी ऐसा हिंदी पट्टी में शुरू हुआ ऐसा कुछ नहीं, आंदोलन का फॉर्म नहीं ले पाया। नहीं, अगर हिंदी पट्टी में आंदोलन नहीं होता तो क्या मायावती की सरकार बनती? वहाँ काशीराम काफी पहले आंदोलन चला चुके और उसका यूपी का काफी असर बिहार में भी रहा, मध्य प्रदेश भी हिंदी पट्टी है, वहाँ छत्तीसगढ़ वगैरह में भी रहा। तो ऐसा नहीं कि हिंदी पट्टी में दलित आंदोलन नहीं हुआ था और इस रूप में नहीं हुआ था, बिल्कुल हुआ था, इससे ज्यादा हुआ था। लेकिन कांशीराम के जाने के बाद मायावती ने दलित आंदोलन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, एकदम सीधे पलटी कर दी, वो सीधे मनुवाद की ओर बढ़ने लगी। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिस दलित को ये बताया गया था कि तिलक तराजू और तलवार इसको मारो जूते चार, उसी को मायावती कहती है कि हम सर्वजन पार्टी है। सर्वजन क्या होता है? सर्वजन तो सब, तो बाकी जो पार्टियां हो तो सर्वजन है। आप स्पेशलाइज्ड होना चाहिए आपको, दलित पिछड़े
और मूल निवासी के हितों के लिए, तो आप भी सर्वजन के रास्ते पे चल गए, तो सर्वजन का तो बहुत सारा विकल्प है। हाँ, ये आप जिस विवाद की जो बात उठाना है, यही बात बताकर जो है अलग हो गया, बाम से फलक संगठन बन गया। ये दलित आंदोलन के अंदर की जो विसंगतियां हैं उस पर तो बात होती रहेगी, लेकिन अभी का जो ये राष्ट्रपति चुनाव होना है, अगर पूछा जाए एक्टिविस्ट वेद से कि आपका वोट कोविंद को जा रहा है या मीरा कुमार को, अगर आप वोट देने की स्थिति में होते तो, अगर इस पर नोटा होता तो नोटा बटन दबा दिया जाता। तो ये थे हमारे साथ वेद, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बात की, जिन्होंने देश भर में चल रहे दलितों के आक्रोश और उनसे जुड़े हुए आंदोलन पर बात की।